रवि कौशिक महेश के लिए, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज महेश, अच्छे गेंद गेंद हवा में और सुंदर स्ट्रोक, फील्डर उसके पीछे है लेकिन गेंद इस बार जीतेगी, पशुपति लेमिनेट चौका। अच्छी शुरुआत तावड़िया के द्वारा। और थोड़ा सा फील्ड सेटअप करते हैं वहां पे हेमू, अगली गेंद लेकर रवि कौशिक सामना करेंगे महेश, दो 6 रन बना चुके हैं इस बार। अच्छी गेंद देखा वाला और रन लेना चाहते थे वहां पर, सुंदर फील्डिंग, हल्की सी अपील लेकिन उसका एम्पायर पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। अगली गेंद लेकर रवि सामना करेंगे महेश, नॉन स्ट्राइक हैंड हेतराम, अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, एम्पायर के दोनों हाथ हवा में, वाइट बॉल। अगली गेंद लेकर अच्छे गेंद और अच्छा स्ट्रोक, उस और कोई फील्ड नहीं है, और जब तक हेमू पहुंचते एक और शानदार फील्डिंग। हेमू ने इस ओवर में दो शानदार फील्डिंग की है और अपनी टीम के लिए बहुमूल्य 4 रन बचाए हैं। बहुत ही शानदार फील्डिंग का मजारा प्रस्तुत किया है पहले ओवर में बाबा साहब फाइटर के फील्डरों ने, बहुत ही सुंदर, काफी मेहनत कर रहे हैं। इस बार अच्छा स्ट्रोक, गेंद काफी तेज जा रही है लेकिन दिनेश उसके नीचे, और एक बार फिर इसको फील्ड कर लेंगे, 1 ही रन मिलेगा। एक ओवर के बाद स्कोर है 12 रन। अब आए हैं छगन गेंदबाजी के लिए, एक बार फिर थोड़ा फील्ड में बदलाव करते हुए बाबा साहब फाइटर के कप्तान, और अगली गेंद इस बार अच्छी गेंद, गेंद हवा में है लेकिन फील्डर की पहुंच से काफी दूर, 1 रन के साथ छोर बदलेंगे और अब स्ट्राइक लेंगे हेतराम इस मैच में पहली बार। सामना करेंगे छगन का हेतराम इस मैच में पहली बार। अच्छी गेंद, हल्की सी अपील हुई है वहां पर, वाइट बॉल, साइड एम्पायर पर दबाव बनाना चाहते थे। अगली इस बार अच्छी गेंद, एक और डॉट बॉल, तो दर्शकों की सूचना के लिए बता दूं पहला क्वार्टर फाइनल मैच इस मैच के बाद दादोजी क्रिकेट क्लब और सारस्वत रॉयल के मध्य खेला जाएगा। मेरे साथी कमेटी के मेंबर संपत्ति ने बताया पहला क्वार्टर फाइनल मैच दादोजी क्रिकेट क्लब और सारस्वत रॉयल के मध्य खेला जाएगा इस मैच के बाद, और दिन का आज के दिन का अंतिम मैच और चौथा क्वार्टर फाइनल मैच, एक और डॉट बॉल, आज के दिन का अंतिम मुकाबला और चौथा क्वार्टर फाइनल मैच भैरों क्लब मोकल सर और सारस्वत 11 के मध्य खेला जाएगा। बाकी 2 क्वार्टर बचे हैं उनका फैसला
किस मैच के बाद होगा कि किस मैच का कहां से मुकाबला होना है। इस बार सुंदर स्ट्रोक, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। महादेव प्रायोड 6 रन हेतराम के बैट से। इस मैच के बाद इस प्रतियोगिता का पहला क्वार्टर फाइनल मैच दादोजी क्रिकेट क्लब और सारस्वत रॉयल के मध्य खेला जाएगा। सारस्वत रॉयल जो कल बहुत ही रोमांचक मुकाबले में नमो 11 को बोनस से रोका और नेट रन रेट से प्रवेश पाया है क्वार्टर फाइनल में। एक और सुंदर स्ट्रोक और एक और गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। पशुपति लेमिनेट चौका, अब आ गए हैं राम रंग में। दो ओवर के बाद स्कोर है, दो ओवर के बाद स्कोर है 22 रन। तावणिया फाइटर की जबरदस्त शुरुआत। रविन कौशिक सामना करेंगे महेश। दो ओवर के बाद 22 रन, अच्छी गेंद रवि की, स्कोर में कोई गड़बड़ नहीं होगी। आप खेल पर ध्यान दें न कि स्कोरिंग पर। खेलेगा सारस्वत, जीतेगा सारस्वत, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। सुंदर गेंद रवि की, रवि कौशिक अच्छी वापसी करते हुए बाबोसा फाइटर युवा खिलाड़ियों से सुसज्जित टीम, सभी युवा खिलाड़ी और बेहतरीन प्रदर्शन किया है इन युवा खिलाड़ियों ने। जीत के जज्बे के साथ खेल रहे हैं युवा खिलाड़ी। इस बार अच्छी गेंद, एक और डॉट बॉल, वहां पर कुछ समझ नहीं पा रहे हैं महेश, लगातार डॉट गेंदे। ये पावर प्ले का अंतिम ओवर, दो क्वार्टर फाइनल तय हो चुके हैं। पहला क्वार्टर फाइनल सारस्वत रॉयल और दादोजी क्रिकेट क्लब के मध्य और आज के दिन का अंतिम मुकाबला भैरव क्लब मोकलसर। इस बार अच्छा स्ट्रोक, 3 डॉट के बाद पशुपति लेमिनेट चौका। प्रयास कर रहे थे महेश काफी देर से, इस बार रवि चुके। रवि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, रवि कौशिक 3 डॉट बॉल, इस बार अच्छी गेंद वाइट बॉल। महेश और हेतराम ने अच्छी शुरुआत दी है तावणिया को, कप्तान के फैसले को सही साबित किया है। इस बार अच्छी गेंद, गेंद बहुत ही शानदार गेंदबाजी, काफी दूर रख रहे हैं बल्लेबाज से, महेश को कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। अगली गेंद लेकर, इस बार अच्छी गेंद, एक और डॉट बॉल, जबरदस्त गेंदबाजी रवि के द्वारा। पावर प्ले समाप्त हुआ, 3 ओवर के बाद स्कोर है 27 रन।
जीतो जी, तावड़िया अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कमेंट्री बॉक्स में आए, काफी देर से आपका इंतजार हो रहा है। जीतू जी तावड़िया, गज्जू गजानंद आए हैं बल्ले गेंदबाजी के लिए। गज्जू गज्जू, अच्छी गेंद, पहली गेंद वाइड के साथ शुरुआत की है अपने कोटे की, लंबा रन अप। जीतो जिताऊनिया, मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कमेंट्री बॉक्स में आए, कोई सारस्वत बंधु आपका इंतजार कर रहा है। अगली गेंद लेकर गज्जू, इस बार सुंदर स्ट्रोक उस और फील्डर रवि, और बेहतरीन कैच। रवि ने इशारा दिया है 6 रन का, माने प्लाईवुड 6 रन, अच्छा प्रयास रवि का। हेतराम पूरे रंग में नजर आ रहे हैं, एक और सुंदर स्ट्रोक और एक और महादेव प्राइवेट 6 रन, ठीक सामने खेल प्रभारी देवीलाल जी के ठीक ऊपर स्ट्रोक, बेहतरीन बल्लेबाजी। प्रभारी जी ने यहां पे कैच ड्रॉप किया, बॉलिंग लेके आ रहे हैं गज्जू, सामना करेंगे हेतराम। डेल्टा प्लस के सभी खिलाड़ी मंच के पास पहुंचे, उनको सम्मान पूर्वक विदाई दी जाएगी। अच्छा कट किया, 1 रन और ले पाए। डेल्टा के साथ साथ ओमिक्रॉन को भी सम्मानजनक विदाई दी जाए, काफी खतरनाक है दोनों ही। गज्जू फिर से लेके चले हैं महेश के लिए, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन महेश। मौसम भी काफी खुशनुमा, बादल छा गए हैं। उठा के खेलना चाहते थे पर एम्पायर का वाइड का इशारा, एक और अतिरिक्त रन। आज मौसम काफी खुशनुमा, बादल छाए हुए हैं, गेंदबाज फायदा उठा सकते हैं इस मौसम का। अच्छा मौसम, बादल छाए हुए, और आज सरस्वती प्रीमियर लीग का 3रा दिन, और 3रे दिन का ये 3रा मुकाबला, अंतिम लीग मैच। इस बार अच्छी गेंद, शुरुआत बहुत ही शानदार दी है महेश और एहतराम ने तावड़िया फाइटर को। इस शुरुआत का कितना फायदा उठा पाएंगे अंत में, इनके पास 2 हार्ड हिटर, रामचंद्र और कैलाश, पहले मैच के हीरो डगआउट में बैठे हैं। अच्छी गेंद, महेश उतने रंग में नजर नहीं आए जितना हेतराम है। 4 ओवर की समाप्ति पे 42 रन विदाउट किसी लॉस के, अच्छी पार्टनरशिप दोनों की। 24 बॉल पे अब तक 42 रन की पार्टनरशिप, एक अच्छा लक्ष्य खड़ा करना चाहेंगे दोनों ओपनर बैट्समैन महेश और हेतराम। अब बॉलिंग लेके आ रहे हैं हेमंत,
हेमू हेमू सामना करेंगे महेश और उठा के खेल दिया है महादेव प्लाईवुड सिक्स हेतराम के बल्ले से ये तीसरा छक्का सॉरी चौथा छक्का हेतराम अब तक 10 बॉल पे 29 रन पे खेल रहे हैं चार छक्के और एक चौके की मदद से फिर से उठा के खेलना चाहते थे पर डॉट बॉल हेमू भी बॉलिंग में अच्छा चकमा दे रहे हैं हेतराम को कोशिश करेंगे इस ओवर में कम से कम रन दे फिर से उठा के खेला फील्डर मौजूद अच्छी फील्डिंग निश्चित तौर पे अपनी टीम के लिए तीन रन बचाए और अब डेल्टा प्लस की विदाई हो रही है सम्मान के साथ फिर से हेमू लेकर चले महेश महेश के लिए अच्छी बॉलिंग विदाउट किसी रन के मिड विकेट बाउंड्री की तरफ धकेला एक रन हेलो पांच ओवर की समाप्ति पे 52 रन बिना किसी नुकसान के हेलो 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 उठा के खेला और बाउंड्री की तरफ मिड विकेट सिक्स रन महादेव प्लाईवुड सिक्स दोनों ही ओपनर बैट्समैन की अच्छी शुरुआत और अच्छी जोड़ी अब तक 31 रन पे 31 बॉल पे 58 रन पार्टनरशिप और उठाकर खेलना चाहते थे पर बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं
नतीजा डॉट बॉल। गज्जू फिर से लेके चलेंगे महेश के लिए। पावनिया फाइटर्स के दोनों ही सलामी बल्लेबाज एक बड़ा स्कोर जरूर खड़ा करेंगे, कोशिश यही रहेगी इनकी। फिर से उठा के खेला मिड विकेट की तरफ, चार रन, पशुपति लेमिनेट चौका। गज्जू जरूर इनके आक्रात्मक रूप को रोकना चाहेंगे, पर दोनों ही बैट्समैन बड़ी सूझबूझ के साथ एक लंबे स्कोर की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छी फील्डिंग पर एक रन से संतुष्टि की। फिर से उठा के खेलना चाहते थे पर एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। एक और अतिरिक्त रन। फिर से गज्जू चले हेतराम के लिए। फिर एक बार और एम्पायर का वाइड का इशारा, एक और अतिरिक्त रन। फिर से हेतराम ने उठा के खेला और ये हेतराम का पांचवा छक्का, महादेव प्लाईवुड सिक्स। हेतराम का स्कोर अब तक 14 बॉल में 38 रन, पांच छक्के और एक चौके की मदद से। इन्होंने अब तक 34 रन बाउंड्री से ले चुके हैं और इनके साथ ही बढ़ते हुए स्कोर के साथ 21 बॉल पे 26 रन, एक छक्के और तीन चौके की मदद से महेश। फिर से उठा के खेलना चाहते थे पर फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, चार रन, पशुपति लेमिनेट चौका। इसी के साथ 6 ओवर की समाप्ति पे 75 रन विदाउट किसी विकेट के लॉस के और एक अच्छी पार्टनरशिप, 36 बॉल में 75 रन हेतराम, 15 बॉल पे 42 रन महेश, 21 बॉल में 26 रन। महादेव प्लाईवुड लेमिनेट छक्का, महेश ने ठोका।
और ये 4 रन पशुपति लेमिनेट चौका। अब तक के स्कोर के हिसाब से महादेव प्लाईवुड के लिए एक खुशखबरी, अभी जो मैच ने चक्का लगाया है ये इस टूर्नामेंट का 117वां चक्का है। फाइन लेग की तरफ बॉल, बाई के रूप में 1 रन। बॉलिंग पे राकेश, सामना करेंगे महेश। उठा के खेला स्टेट फोर, पशुपति लेमिनेट चौका, और इसी चौके की मदद से 7 ओवर की समाप्ति पे बिना किसी नुकसान के 91 रन। एक अच्छी पार्टनरशिप दोनों सलामी बल्लेबाजों की, अब तक 42 बॉल पे 91 रन। जैसे ही दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान में उतरे, इनका लक्ष्य था एक लंबा स्कोर खड़ा करना, और इसी लक्ष्य पे अब तक कायम। कोशिश की बॉलरों ने इस लक्ष्य को रोकने की, एम्पायर से निवेदन है मैच थोड़ा जल्दी स्टार्ट करवाएं, खिलाड़ियों को बोला जाए जल्द से जल्द पानी पी के मैदान में फील्डिंग सजाएं। आगे 4 मैच और होने हैं, समय का अभाव है। और इस SPL 9 सारस्वत कुंडिया समाज नवीक मंडल रजिस्टर सूरत द्वारा सारस्वत प्रीमियम लीग 9 में अपना आर्थिक सहयोग देकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने वाले टूर्नामेंट के स्पॉन्सर, मुख्य स्पॉन्सर धनलक्ष्मी प्लाईवुड ग्रुप, पूनम जंजी सारस्वा कालू, को स्पॉन्सर सूर्य सेल्स कॉरपोरेशन, रामकिशन जी, रामरतन जी, हरिनारायण जी, रामदयाल जी, कुंदना राम जी, सौरे के बद्री राम जी तावड़िया परिवार, बिग्गाबास रामसरा, रियलम श्री राजेंद्र प्रसाद जी तावनिया तेजरा सर, ग्राउंड स्पॉन्सर मालचंद जी, रामदेव जी सारस्वा, सुरुपरा नोखा, मैन ऑफ द स्पॉन्सर साला सर मार्केटिंग, महावीर जी सारस्वत, सरवण जी सारस्वत नोखा, यूट्यूब लाइव स्पॉन्सर मनोज जी सारस्वत, बिना देसर मनोज प्लाईवुड मुंबई। सरस प्रसाद जी स्पॉन्सर JP प्लाईवुड एंड हार्डवेयर, जगदीश प्रसाद जी मोट, मोट परिवार महादेवाली, जय मां करणी,
उठा के खेलना चाहते थे, पर बॉल और बैट का ज्यादा संपर्क नहीं बना, चूंकि एक रन से संतुष्टि। फिर से बॉलिंग लेके आ रहे हैं हेमू, सामना करेंगे महेश। अच्छी साझेदारी, उठा के खेलने की कोशिश, लॉन्ग ऑन की तरफ फील्डर मौजूद, एक रन से संतुष्टि करनी पड़ेगी। हेमू कोशिश में लगे हैं इस पार्टनरशिप को रोकने के इरादे से। फुल टॉस और उठा के खेल दिया, फील्डर मौजूद मिड विकेट की तरफ, बाउंड्री रोकी, एक ही रन से संतुष्टि। और रन आउट हो गए हैं हेतराम, रन लेना चाहते थे पर बॉल सीधी। हेतराम 19 बॉल में 48 रन बना के पवेलियन की तरफ लौटे। हेलो हेमो, रनिंग छोर से गेंद करेंगे महेश के लिए, आगे की गेंद उठा के खेला महेश ने उसको, फील्डर बॉल के पीछे है, एक रन आसानी के साथ पूरा करेंगे दोनों। अब हमारे बीच बताने हैं मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर महावीर जी सारस्वा, श्री सालासर मार्केटिंग, आपका कोटि कोटि आभार और हार्दिक स्वागत। SKNYM सारस्वत कुंडिया समाज नयुक मंडल रजिस्ट्रेशन सूरत द्वारा। हेमू गेंद करेंगे रामचंद्र के, रामचंद्र उठा के खेला है, वहां पे फील्डर है बॉल के पीछे, एक रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। टाउनिया किंग्स के पहले मैच के सुपर हीरो रामचंद्र 8 ओवर की समाप्ति पे 96 रन, मात्र एक विकेट के नुकसान पर। महेश ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की है आज। न्यू बॉलर के रूप में आए हैं रवि रविंद्र, अपने कोटे का आखिरी ओवर, अपनी टीम के लिए 9वां ओवर लेके अंतिम 12 गेंदे शेष है इस इनिंग की। उठा के खेला है वहां पे रामचंद्र ने, गेंद है हवा में, कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं, जब तक फील्ड करते 2 रन पूरा कर लिए यहां दोनों बल्लेबाजों ने। रामचंद्र एक बार फिर से बैट करेंगे रविंद्र को, रविंद्र लंबे रन अप के साथ में, पटकी हुई गेंद, बैट बॉल का कोई संपर्क नहीं, एक अच्छी सूझबूझ भरी गेंदबाजी। उनको पता है कि अगर बैट लाइन में बॉल दी रामचंद्र को तो निश्चित तौर पे वो बाउंड्री से बाहर फेंक देंगे। स्कोर काफी अच्छा है यहां तावनिया फाइटर्स का, एक बार और शानदार वाइड ओवर का डिलीवरी।
रविंदर एक बार फिर से रामचंद्र के लिए। इस बार पटकी हुई गेंद और लेग साइड में धकेला महादेव प्लाईवुड सिक्स। इस टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का है ये रामचंद्र के बल्ले से निकलने वाला पहला महादेव प्लाईवुड सिक्स। और कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि गेंद जो बाउंड्री से बाहर गई है वो लेके आई। कार्यकर्ताओं से नम्र निवेदन है कि गेंद जो बाउंड्री लाइन से बाहर गई है वो लेके आए। अपने बीच बता रहे हैं परमेश्वर जी तावनिया, मुकेश जी तावनिया मुंबई से आपका कोटि कोटि आभार और हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे मैंने बोला था रामचंद्र आप ही अच्छे हिटिंग है, हिटर है। एक बार और पटकी हुई गेंद, इस बार शॉर्ट वन डिलीवरी स्टेट की ओर साइड के खेला है। एक रन आसानी से पूरा करेंगे वहां पे महेश। रामचंद्र दूसरा रन लेना चाहते लेकिन महेश ने मना किया। रविंदर गेंद करेंगे अब महेश के लिए। फुलटॉस डिलीवरी ऑफ साइड की ओर खेला है, कोई फील्डर के पास मौका नहीं। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चार रनों के लिए। कवर की दिशा में खेला उसको रामचंद्र ने, महेश ने। काफी अच्छी बल्लेबाजी की है आज महेश ने। जिस तरह की आशा थी उनसे उससे बेहतर बल्लेबाजी करते हुए यहां पे महेश। नौ ओवर की समाप्ति पे 109 रन, एक मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया यहां पे तावनिया फाइटर्स ने। महेश 29 गेंदों पे 43 रन बना के खेल रहे हैं। वो अपनी 50 से मात्र 7 रन दूर है। अंतिम 6 गेंदें शेष है इस इनिंग की। स्ट्राइक पे है रामचंद्र, गेंदबाज हेमंत। यॉर्कर की कोशिश लेकिन स्लो रन डिलीवरी यहां पे डिलीवरी साहब की। महेश आई हैं अब। अब देखते हैं महेश अपना अर्धशतक पूरा कर पाते हैं या नहीं। हेमंत युवा गेंदबाज सारस्वत कुंडिया समाज के। फुलटॉस डिलीवरी लेग साइड की ओर धकेला वहां पे फील्डर है बॉल के नीचे। शानदार फील्डिंग वहां पे लेकिन दो रन आसानी के साथ पूरा करेंगे। स्लो रन डिलीवरी डाली थी यहां पे हेमंत ने, भली भांति समझा लेग साइड की ओर धकेला लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां रमेश की। फिर से हेमो रनिंग छोर से, सामने है महेश अपने अर्धशतक से मात्र 5 रन दूर। इस बार पटकी हुई गेंद ऑफ साइड की ओर खेला है, फील्डर वहां है मौजूद दिनेश। एक रन आसानी के साथ पूरा करेंगे। अब स्ट्राइक में है रामचंद्र, हार्ड हिटर रामचंद्र। पिछले मैच में अर्धशतक लगाया था इन्होंने। शानदार सबसे फास्ट पहली सेंचुरी, अर्ध सेंचुरी, हाफ सेंचुरी लगाई थी इन्होंने। पटकी हुई गेंद, बैट बॉल का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में। अच्छी गेंद यहां हेमंत के द्वारा। आखिरी दो गेंदे शेष इस इनिंग की। एक 113 रन बन चुके हैं यहां पे तावनिया फाइटर के। एक अच्छा शॉट और रन आउट के रूप में आउट हुए हैं यहां पे महेश। उन्होंने पहले ही शहीद रामचंद्र को बोल दिया था कि अगर बैट का संपर्क नहीं हो बॉल से तो भी आप भाग लेना। अब एक और हार्ड हिट आए हैं कैलाश, बहुत बढ़िया पारी खेली तावनिया फाइटर्स की ओर से महेश ने। काबिले तारीफ इनिंग कह सकते हैं। अंतिम गेंद इस इनिंग की
न्यू बैट्समैन है कैलाश। आखिरी गेंद, एक और शानदार डिलीवरी यहां पे, नॉट आउट करार दिए यहां पे। ओवर की समाप्ति, 10 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 114 रन, 115 रन का टारगेट है श्री बाबोसा फाइटर्स को। एक अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया यहां ताउनिया फाइटर्स ने। सारस्वत प्रीमियर लीग 9, SPL 9, सारस्वत कुंडिया समाज नवयुग मंडल रजिस्ट्रेशन सूरत द्वारा आयोजित ये क्रिकेट प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता के मुख्य स्पॉन्सर है धनलक्ष्मी प्लाईवुड ग्रुप। श्रीमान जी, मदन जी, प्रेम जी, राम जी, रमेश जी, पूनम चंद जी, सारस्वत कालू परिवार, को स्पॉन्सर सूर्य सेल्स कॉर्पोरेशन, कुंदनाराम जी, स्वर्गीय बद्रीराम जी तावनिया, तावनिया परिवार, बिग्गा बस रामसरा। को स्पॉन्सर रियलम इंडिया जेम्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री राजेंद्र प्रसाद जी तावनिया, तेजरा सर। ग्राउंड स्पॉन्सर मालचंद जी, रामदेव जी सारस्वा, सुरपुरा नोखा। मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर श्री सालासर मार्केटिंग, महावीर प्रसाद जी सारस्वत, श्रवण कुमार जी सारस्वत। सर्स प्रसाद स्पॉन्सर पहले दिन के जेपी प्लाईवुड एंड हार्डवेयर, जगदीश प्रसाद जी मोट, मोट परिवार, महादेवाली। जय मां करणी प्लाईवुड, मांगीलाल जी सारस्वा, सारस्वा परिवार, ठुकरिया सर। श्री रामदेव सेल्स, लेख राम जी, संजय जी सारस्वा, सारस्वा परिवार, राजेरा। श्री कृष्णा टेक्सटाइल, मिया राम जी तावनिया, तावनिया परिवार, ठुकरिया सर। तोड़ा राम जी सारस्वा कालू, लालचंद जी सारस्वा, सुरजन सर, श्री कृष्णा ग्रुप। पवेलियन स्पॉन्सर श्री महावीर प्रसाद जी तावनिया, तेजरा सर। पवेलियन स्पॉन्सर गॉडसन द इंटीरियर शॉप, नंदलाल जी सारस्वा, दिनेश जी सारस्वा। हैट्रिक स्पॉन्सर राम कुमार जी सारस्वा, दामोदर प्रसाद जी सारस्वा, प्रेम जी सारस्वा, खेतरपाल ग्रुप, बिंजा सर। सेंचुरी स्पॉन्सर लकी इंटीरियर, दीनदयाल जी ओजैया, तोलाराम जी ओजैया, बिंजा सर। बेस्ट बैट्समैन स्पॉन्सर विजय लक्ष्मी प्लाईलेम, जगदीश प्रसाद जी तावनिया, करणपाल जी तावनिया। मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर कृष्णा लेमिनेट, सारस्वा परिवार, ठुकरिया सर। विकेट स्पॉन्सर कमल कटपी सेंटर, दुर्गाराम जी ठाकरानी, हरीश जी ठाकरानी। स्टंप स्पॉन्सर बालाजी लेमिनेट, बागीर जी तावनिया, बनवारीलाल जी तावनिया। 50 स्पॉन्सर श्रीजी प्लाई एंड लेमिनेट, पवन कुमार जी सारस्वा, रामरतन जी सारस्वा, सारस्वा परिवार, राजेश। मेडन ओवर स्पॉन्सर तावनिया परिवार, बाधा सर। कमेंट्री बॉक्स स्पॉन्सर हरस ट्रेडिंग, विनोद जी खांतड़िया, सीपीजी खांतड़िया। एम्पायर स्पॉन्सर
सीओबीबी ग्रुप रूपचंद जी सारसवा सेरेना आलोक जी तावणिया फोर स्पॉन्सर पशुपति लेमिनेट्स विक्रम जी ओझा सिक्स स्पॉन्सर श्री महादेव प्लाईवुड सेंटर भंवरलाल जी ओझा बैट्स बॉलर स्पॉन्सर सुरुमल जी सारसवा द्वारका प्रसाद जी सारसवा सारसवा परिवार हेमा सर कैप स्पॉन्सर देवीलाल जी सारसवा सारसवा परिवार मलकी सर लाइव स्पॉन्सर महारानी सिल्क मिल जगदीश जी सारसवा सारसवा परिवार हेमा सर मैन ऑफ द स्पॉन्सर श्री सालासर मार्केटिंग महावीर जी सारसवा114 रन बनाए यहाँ पे तावणिया फाइटर्स ने। ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पे आए हैं रवि और हेमंत हेमू। ओपनर बल्लेबाज बॉलर के तौर पे आए हैं महेश। हेलो हेलो पहली गेंद महेश की उठा के मारना चाहते थे स्लोअर वन डिलीवरी दी है कुछ समझ नहीं पाए यहां पे। महेश की अच्छी गेंद यहां पे नई गेंद है उनको बल्ली बांधी पता है किस तरह खिलाना है। इस बार आगे एक और स्लोअर वन डिलीवरी नहीं समझ पाए यहां पे। अगर श्री बाबा सो फाइटर को यहां बोनस पॉइंट लेना है तो 9 ओवर में उनको ये लक्ष्य हासिल करना होगा 115 रन है। और अगर तावणिया फाइटर्स को ये बोनस पॉइंट लेना है तो 102 रन से पहले पहले रोकना होगा श्री बाबा सो फाइटर को। अच्छी गेंदबाजी यहां महेश के द्वारा पहले ही ओवर में शुरुआती दो लौट गेंद के बाद एक लेग बाई के रूप में एक रन है बेट से आया। एक बार फिर से महेश हेमंत के लिए छोटी गेंद लेग साइड में खेला हेमंत ने और कैच आउट यहां पे हेमंत कैच लेने वाले गेंद देवी दत्त
अच्छा कैच लपका यहां पे देवीदत्त ने, बड़ा विकेट है ये टाउनिया फाइटर्स के लिए। दिनू आए हैं, दिनेश आए हैं अभी न्यू बल्लेबाज के रूप में। स्ट्राइक पे हैं दिनू दिनेश। छोटी गेंद लेग साइड की ओर खेलाया वहां पे, देवीदत्त से चुकी गेंद बाउंड्री लाइन की ओर भागती हुई, अच्छी फील्डिंग वहां देवीदत्त की, निश्चित तौर पे दो रन बचाए यहां पे। टाउनिया फाइटर्स ने जी जान लगा दिया इस मैच में, शानदार कैच लपका वहां पे देवीदत्त ने, और अब एक शानदार क्षेत्र रक्षण का मुजाहिरा पेश किया यहां पे। एक बार फिर से महेश दिनेश के लिए, महेश वर्सेस दिनेश, इस बार खेला है दिनेश ने उठा के प्लाईवुड महादेव प्लाईवुड सिक्स, पहला छक्का निकलता हुआ यहां पे दिनेश के बल्ले से। ये श्री दादोजी क्रिकेट क्लब हेमासर है और इनका वाकई में शानदार सहयोग रहा है। ये गेंद आपके पास गई उसका सहयोग हमने देखा, आप दोबारा ऐसा न करें तो ये आपकी टीम के लिए अच्छा होगा और इस टूर्नामेंट के लिए भी। एक ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति में स्कोर जा पहुंचा 9 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अब आए हैं रफ्तार के धनी, पुरानी टीम नमो 11 के धुरंधर और विकेट टेकर गेंदबाज दुर्गादत्त तावनिया, तावनिया एक्सप्रेस के नाम से मशहूर है ये बंदा। स्ट्राइक खेला है, फील्डर है बॉल के नीचे रामचंद्र, और पहली गेंद पे पहला विकेट। मैंने बोला था ये विकेट टेकर गेंदबाज है, ये निश्चित तौर पे है तो 40 साल के, लेकिन इनका जलवा मात्र 16 साल के खिलाड़ी जैसा रहता है। ये जितने जमीन के ऊपर है उतने ही जमीन के अंदर भी है, तजुर्बा इनके अंदर कूट कूट के भरा है और अपनी कप्तानी में यह शानदार टीम बनाई है, नौजवानों की टीम। शानदार, अगर न्यू बल्लेबाज रवि कौशिक हो तो हाथ हवा में लहरा दें, धन्यवाद रवि। पहली गेंद पे विकेट चटका यहां पे दुर्गादत्त ने। अब आए हैं दुर्गादत्त के सामने दिनेश, दिनेश ने शानदार सिक्स लगाया था पिछले ओवर में, शानदार ब्लॉक होल डिलीवरी, क्या कहना दुर्गादत्त का। पहली गेंद पे विकेट, दूसरी गेंद पे यॉर्कर का डिलीवरी। ये खेलते खाली एसपीएल एसपीएल ही है, ये अनुभवी इनका काम आ रहा है। शानदार गेंद और उतनी शानदार कट लगाई, एक रन आसानी के साथ मिलेगा यहां पे। देखिए तजुर्बा देखिए, पहली गेंद नई गेंद थी, स्लो डाली और वहां पे शॉट खेलने गए और खिलाड़ी आउट। दूसरी गेंद नया प्लेयर आया है तो यॉर्कर डिलीवरी, तीसरी वाइड लाइन डिलीवरी, इसे कहते हैं तजुर्बा। ये तजुर्बा आज का नहीं है, बरसों का है। शानदार शॉट, एक और गेंद हवा में, फील्डर है बॉल के नीचे, शानदार गेंद और उतना ही शानदार कैच और दूसरे विकेट का यहां पे मिलता हुआ दुर्गादत्त को। कैच लेने वाले खिलाड़ी है विकास, स्लो वन डिलीवरी थी विकास, विक्की एक ही है भाई, दो विकेट। अरे वारे रफ्तार, तावनिया नरेश, तावनिया एक्सप्रेस आज स्लो रन डिलीवरियों से कमाल कर रहे हैं, हमेशा वो डेथ ओवर में बॉलिंग लेके आते हैं। अगर न्यू बल्लेबाज राकेश होता तो हमें लहरा दें, धन्यवाद राकेश। मैं बात कर रहा था दुर्गादत्त की, वो हमेशा पुरानी गेंद हाथ में लेके चलते हैं, लेकिन इस बार पता है
कि गेम बड़ा है तो शुरू में ही नई गेंदें डाल रहे हैं और उंगलियां घुमा घुमा के डाल रहे हैं। एक बार फिर से दुर्गाधर दिनेश के लिए, दिनेश यहां पे अच्छी गेंद, ओ एक और कैच, शानदार कैच वहां पे देवीदत्त का, तीसरा विकेट झटका है यहां पे दुर्गाधर ने, शानदार कैच देवीदत्त का, ये कैच ऑफ द मैच कह सकते हैं। इससे पहले भी पिछले मैच में भी शानदार कैच दिया था और ये कैच भी शानदार यहाँ पे देवीदत्त का, और उतनी शानदार गेंदबाजी यहाँ पे दुर्गाधर की। ये डीडी मिलके गेम बना रहे हैं टाउनिया फाइटर्स के लिए, गेंदबाज दुर्गाधर, कैच देवीदत्त, न्यू बल्लेबाज के रूप में आए छगन है, पत्तों की तरह है, बिखेर दिया है यहाँ पे श्री बाबोसा फाइटर्स को। दो ओवर की समाप्ति पे 14 रन 4 विकेट के नुकसान पे न्यू बॉलर आए हैं महेश, अपने कोटे का दूसरा और टीम के लिए तीसरा ओवर लेके। दुर्गादत्त ने यहाँ लड़ियां लगा दी है विकेट की, कप्तान की अहम भूमिका निभा कर रहे हैं यहां पे। एक और शानदार गेंद, गेंद हवा में, महेश की पहली गेंद को शानदार खेला, छोटी गेंद थी, लेग साइड की ओर ग्लास किया, दूसरी गेंद वाइड ओवर का डिलीवरी, अच्छी गेंद, पहली गेंद पर चौका खाने के बाद एक अच्छी वापसी यहां पे महेश की। एक और शानदार शॉट, वहां फील्डर वहां रामचंद्र जरूर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग, और रामचंद्र की मिस फील्डिंग, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, चौका पशुपति लेमिनेट चौका, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहां पे राकेश। ये घेरे का आखिरी ओवर है और राकेश उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। रामचंद्र बॉल पे तो काफी तेज गए थे लेकिन आगे निकल गए, गेंद रह गई पीछे। तीसरी गेंद, इस बार गेंद तारामंडल में, और एक और शानदार 6 रन यहां पे राकेश के द्वारा। अब महंगा ओवर साबित होता हुआ यहां पे मैं इसका, अब राकेश अच्छा बेट निकाल रहे हैं, अच्छा स्कोर खड़ा कर पा रहे हैं। एक और शानदार शॉट, लगातार छक्के यहां पे महादेव प्लाईवुड सिक्स, दो लगातार छक्के लगाते हुए यहां पे राकेश, इससे पहले दो चौके भी निकाले थे उन्होंने, काफी महंगा ओवर साबित हो रहा है यहां पे महेश का। एक और शानदार गेंद, इस बार चूके यहां पे, क्रिकेट जगत में बामनवाली का जो भी खिलाड़ी आता है वो अपने आप में एक सितारा रहता है, हर बार एक ना एक नया खिलाड़ी आता ही है और अपना वो बलबुता दिखाता है। इससे पहले नमो 11 वर्सेज सारस्वत रॉयल में गणेश थे, वो भी बामनवाली के थे, उन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी नमो 11 के सामने और अपनी टीम को क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करवाया था। और अब यहां पे राकेश भी अपना बलबुत्ता साबित करते हुए, धन्य है ऐसी धरा जहां से ऐसे खिलाड़ी आते हैं। इससे पहले सारस्वत समाज और एसपीएल का सबसे बड़ा नाम कन्हैया बामनवाली, उसके बाद में अनिल बामनवाली, उस अनिल स्टेन, ये काफी बड़े नाम आए हैं एसपीएल समाज में, सारस्वत कुंडिया समाज में। 3 ओवर की समाप्ति हुई, 34 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अगर श्री बाबोसा फाइटर को बोनस पॉइंट लेना है तो 9 ओवर में मैच जीतना होगा, और ताउनिया फाइटर को बोनस पॉइंट लेना है तो 102 रन
से पहले पहले रोकना होगा। एक और शानदार गेंद, फिर गेंद हो में और ये आउट। शानदार कैच, दुर्गादत्त का चौथा विकेट। अपनी दोनों उंगलियां हवा में लहरा रहे हैं कि भैया ये उम्र जरूर बढ़ रही है, तजुर्बा नहीं और बढ़ रहा है तजुर्बा। गेंद की रफ्तार बढ़ रही है, विकेटों की झड़ियां लगा दी है यहां पे दुर्गादत्त ने। 7 गेंदों में 4 विकेट झटका चुके हैं यहां पे। छगन के रूप में चौथा विकेट, 7 गेंदों में चौथा विकेट झटका है यहां पे दुर्गादत्त ने। अपने कील को मजबूत करते हुए, अपने नाम, जिस तरह का नाम है उनका, वो अपना नाम उसी जगह कायम करते हुए दुर्गादत्त तावड़िया, तेजरा शरद तावड़िया एक्सप्रेस के नाम से मशहूर। छोटी गेंद, इस बार स्लो और वन डिलीवरी ऑफ साइड की ओर धकेला वहां पे विकास ने। देखिए तजुर्बा बोलता है, जैसे ही पिछले ओवर में महेश ने पेड लाइन बॉल खिलाई थी विकास को और उसका खामियाजा भुगतना था, तो तजुर्बा यही बोलता है कि वाइड लाइन बॉल डिलीवरी खिलाई जाए ऑफ साइड में, वही किया दुर्गादत्त ने, तो सिंगल के लिए प्रेरित किया यहां पे। अब आए हैं गजानंद, वो शानदार यॉर्कर डिलीवरी, बाल बाल चुके यहां पे गजानंद। अपनी टीम की मैन कमाल संभाली है यहां पे दुर्गादत्त ने। महेश जरे महंगू साबित हुए लेकिन दुर्गादत्त ने इस बार एक और छोटी गेंद ऑफ साइड की ओर धकेला वहां पे विकास ने। राकेश अच्छी सुधबुद भरी गेंदबाजी कर, बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछला ओवर जरूर उन्होंने रन चपेटे और अपनी टीम को वापस मैच में लाए। इस पता है कि दुर्गादत्त विकेट टेकर है तो उनको सम्मान देके खेल रहे हैं सिंगल डबल के साथ में। गज्जू सामना करेंगे दुर्गादत्त का। एक और यॉर्कर डिलीवरी, इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे लेकिन कुछ खास संपर्क नहीं हुआ। एक रन के लिए खेला वहां पे गज्जू ने। ओवर की समाप्ति हुई। अभी एक गेंद और शेष बची है, एम्पायर ने ओवर दिया नहीं, सॉरी। इस बार एक और शानदार डिलीवरी, एलपीडब्ल्यू की अपील करते हुए यहां पे दुर्गादत्त। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये रूल इस टूर्नामेंट पे लागू नहीं होता है। शानदार दो ओवर निकाले हैं यहां पे दुर्गादत्त ने। चार ओवर की समाप्ति के बाद दुर्गादत्त ने दो ओवर निकाले, 9 रन दिए और 4 विकेट झटके हैं, महत्वपूर्ण विकेट 4 झटके हैं यहां पे। अब तावड़िया फाइटर के पहले मैच के सुपर स्टार बॉलर विकी नौसरिया से हैं ये। पिछले मैच में 3 विकेट झटके थे उन्होंने और अपनी टीम को जिताया था। विकी एक बार फिर से गेंद करेंगे गज्जू के लिए। छोटी गेंद, फील्डर वहां पे मौजूद है महेश और कैच लपक लिया। ये देखिए पहली गेंद पे विकेट झटका है यहां पे विकी ने। चार ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 38 रन 6 विकेट के नुकसान पे। 4 विकेट बचे हैं मात्र श्री बाबोसा फाइटर्स के लिए। शानदार गेंद यहां पे विक्की की, पहले गेंद शॉर्ट जरूर डाली थी लेकिन उसका भरपूर समर्थन मिला और एक विकेट मिला। इस बार अच्छी गेंद, विकी एक बार गेंद करेंगे राकेश के लिए।
इस बार छोटी गेंद पटकी हुई गेंद वहां पे कुछ खास फायदा नहीं उठा पाए राकेश से, फर्स्ट बाउंस दिए है यहां पे एम्पायर ने। फुल टॉस गेंद कोई खास फायदा नहीं उठा पाए यहां पे राकेश से। राकेश का जो स्ट्रॉन्ग जोन है लेग साइड है वो भली भांति समझ चुके हैं विक्की और दुर्गादत्त है। इससे पहले दुर्गादत्त ने भी उनको ऑफ साइड खिलाया था और विक्की भी वही काम कर रहे हैं। बहुत शानदार गेंद, अच्छी गेंदबाजी चलती हुई यहां पे तावनिया फाइटर के द्वारा। एक बार फिर से गेम में मजबूत पकड़ बना ली है यहां पे तावनिया फाइटर ने। शानदार शॉट इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर थी, रूम दिया था वहां पे, फील्डर मौजूद थे लेकिन रोक नहीं पाए। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, चार रन। काफी देर के बाद में विकास के बल्ले से चौका आया है, पशुपति लेमिनेट चौका राकेश के द्वारा। पांच ओवर की समाप्ति पे 43 रन है, 6 विकेट गुण के स्थान पे 42 रन से। नए बॉलर अगर हेतराम हो तो आतो हम लड़ा दें, नया बॉलर अगर हेतराम, धन्यवाद हेतराम। हेतराम का सामना करेंगे रमेश। छोटी गेंद पटकी हुई गेंद, अच्छी डिलीवरी यहां पे हेतराम की। अब रमेश को भी दो हाथ करने होंगे अगर बोनस पॉइंट लेना है, क्योंकि अगर श्री बाबूसा फाइटर यहां बोनस पॉइंट नहीं लेती है तो वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। एक और शानदार गेंद ऑफ साइड की ओर कट किया, फील्डर वहां मौजूद है, एक रन आसानी के साथ पूरा करेंगे। अब श्री बाबूसा फाइटर के स्टार बल्लेबाज राकेश स्ट्राइक पे। हेलो हेलो, हेतराम एक बार फिर से गेंद करेंगे राकेश के लिए। छोटे से रनअप के साथ में लेग साइड की ओर धकेला, वहां पे थर्ड मैन में देवीदत्त मौजूद है लेकिन रोक नहीं पाएंगे। एक और पशुपति लेमिनेट चौका राकेश के बल्ले से। राकेश अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। शानदार शॉट यहां पे राकेश के द्वारा, एक और महादेव प्लाईवुड सिक्स। राकेश अच्छा बल्लेबाजी कर रहे हैं यहां पे। हेतराम एक बार फिर से राकेश के लिए, एक और छोटी गेंद खेत हो सकता था ये लेकिन पकड़ नहीं पाए, लेकिन अच्छी कोशिश की वहां पे लीलाधर ने। हेतराम एक बार फिर से रमेश के लिए, फुल टॉस डिलीवरी। इस बार रमेश ने हाथ खोला कवर की दिशा में,
चार रन है पशुपति लेमिनेट्सो का। अब एक अच्छी साझेदारी यहां पे रमेश और राकेश की। ओवर की समाप्ति हुई। छह ओवर की समाप्ति पे 59 रन है, 6 विकेट के नुकसान पे। वापस एक बार दुर्गादत्त ने विक्की के ऊपर भरोसा किया है। अब राकेश और रमेश अच्छा खेलते हुए शानदार शॉट वहां पे, एक और महादेव प्लाईवुड सिक्स राकेश के द्वारा। अब राकेश ने अपने हाथ खोल लिए हैं, उनको भली बात पता है कि अगर बोनस लेना है तो अब बड़े शॉट खेलने होंगे। हालांकि वो शुरू से आते ही उन्होंने अपना जलवा बिखेरना चालू कर दिया था। सारस्वत रॉयल और श्री दादोसा दादोजी क्रिकेट क्लब के दोनों कप्तानों से निवेदन है कि कॉमेंट्री बॉक्स के पास आए और अपना टॉस करवा ले अगले मैच का। विकी एक बार फिर से ऑफ साइड की गेंद, छोटी डिलीवरी, शानदार शॉट वहां पे, अच्छी फील्डिंग देखने को मिली है फील्डर्स द्वारा, लेकिन दो रन आसानी के साथ मिलेंगे। विकी एक बार फिर से गेंद करेंगे राकेश के लिए। राकेश हेलो हेलो 20 बंदों के अंदर 45 रन बना के खेल रहे हैं। इस बार शानदार डिलीवरी, यॉर्कर डिलीवरी थी, बैट बॉल का कोई संपर्क, रन लेना चाहते थे रमेश लेकिन मना किया वहां पे राकेश ने। विकी ने जरूर पहली गेंद पे छक्का खाया था, उसके बाद में वापसी की है अच्छी। एक बार फिर से विकी स्टेट की ओर तीर की कमान की शॉट की तरह खेला है, लेकिन फील्डर है वहां मौजूद, जब तक फील्ड करते एक रन आसर के, और आंखों में दूसरा रन भी चुराया। गेंद हवा में, नीचे दुर्गादत्त मौजूद है और कैच ड्रॉप कर दिया। ये बड़ा विकेट था, दुर्गादत्त आपने कैच ड्रॉप कर दिया है, बड़ी मछली फंस सकती थी यहाँ पे। निश्चित तौर पे श्री बाबोसा फाइटर का बहुत बड़ा हौसला टूट जाता, लेकिन अभी भी मैदान में मौजूद है राकेश, और जब तक राकेश है तब तक सारी उम्मीदें कायम है। एसपीएल 9 में बाहर से मेहमानों का आना जाना सिलसिला चालू है, उसी क्रम में हमारे बीच पधारे हैं मांगीलाल जी तावणिया तेजरा सर कीप से, परमेश्वर जी तावणिया बिग्गा और मुकेश जी तावणिया बिग्गा जो मुंबई से पधारे हैं। मुकेश जी तावणिया सेनाली बिग्गा मुंबई, ये मैं जिनका नाम ले रहा हूं कृपया स्वागत समारोह स्टेज पर आए। अब बॉलिंग पर छोर पे एक बार पुनः कप्तान ने खुद को संभाला है कि अब मुझे वापस कुछ करना होगा। चार विकेट ले चुके हैं दो ओवर में, वो 9 रन देके, अब इस बार कुछ कर सकते हैं। मैं जीता हूं, लेकिन पहली गेंद पे छक्का खाया उन्होंने राकेश के बल्ले से, और राकेश ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया यहां पे। और अर्धशतक के स्पॉन्सर है श्रीजी लेमिनेट, पवन जी, राम रतन जी, सरस्वा राजेरा। अब दुर्गादत्त को खामियाजा उस केस का ही भुगतना है। हेलो, इस बार शानदार गेंद, स्ट्राइक राकेश रखना चाहेंगे, उनको पता है कि मैं अगर क्रीज पे जब तक खड़ा हूं तब तक कुछ भी करने की
हौसला रख सकते हैं और उनको यह भी पता है कि अगर बिना बोनस भी जीती है तो मामला रन रेट पे भी अटकेगा, इसलिए वो कोशिश करेंगे मैच को कैसे न कैसे जीतने का। महेश जी तावनिया नौका जो जयपुर से पधारे हैं और महावीर जी सारसवा नौका सालासर मार्केटिंग जयपुर, जिन जिन बंधुओं का मैंने नाम लिया है वो कृपया करके स्टेज के आगे आए। इस बार गेंद हवा में एक बार फिर से दुर्गा देता नीचे और इस बार क्या लपक लिया, ये पहला पंजा है विकेटों का इस टूर्नामेंट में जो दुर्गा दत्त ने हासिल किया है, पहला पंजा। मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर है श्रीमान जी महावीर जी, आपका कोटि कोटि आभार और कोटि कोटि स्वागत है, अतिथि देवो भव है और आप तो हमारे अबामा सा भी है इस टूर्नामेंट के, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। राकेश के रूप में ये 500 विकेट झटका है, यहाँ पे दुर्गा दत्त ने अपना पंजा घोषित किया है, ये बूल दुर्गा दत्त को गिफ्ट की जाएगी। मांगीलाल जी तावनिया, परमेश्वर जी तावनिया और मुकेश जी तावनिया, न्यू बैट्समैन के रूप में आए हैं शिव, इनका स्वागत करेंगे पूनम जी सारसवा, दुर्गा राम जी ठाकरानी, माला राम जी गुरावा, हरिचंद जी सारसवा कालडा, राम कुमार जी सारसवा पिंजा सर, आए हुए अतिथियों का सम्मान। 8 ओवर की समाप्ति पे 77 रन 7 विकेट के नुकसान पे और टॉस के बॉस आज हैं राजकुमार जी पप्पू राम जी मोट, आगे की टीम के टॉस करवाना है तो आप जल्दी से जल्दी टॉस बॉक्स में पहुंचे। राजकुमार जी पप्पू राम जी मोट, अब अगर श्री बाबूसा फाइटर को बोनस लेना है तो 6 गेंदों में 38 रन चाहिए और जीतना है तो 12 गेंदों में 38। विक्की और पहली गेंद उठा के खेला है, वहां पे फील्डर वहां मौजूद है, कैच ड्रॉप किया है, यहाँ पे कैच छोड़ा, चौका भी खाया श्री पशुपति, लेमिनेट चौका। अभी की एक बार फिर से गेंद करेंगे रमेश के लिए, शानदार गेंद, इस बार फील्डर वहां मौजूद और शानदार कैच लपका है यहां पे हेतराम ने, तावनिया फाइटर ने जी जान लगा दिया इस मैच में, पहले शानदार कैच लपका था देवी दत्त ने, फिर एक कैच देवी दुर्गा दत्त ने जरूर छोड़ा लेकिन उसी विकेट को अपने हाथों में चपका राकेश में, और तीसरा यहां पे हेतराम ने भी शानदार कैच लपका है। अब अगर श्री बाबूसा फाइटर को बोनस लेना है तो 4 गेंदों में 4 गोपाल जी सारसवा बामणवाड़ी कृपया करके स्टेज पर आए, राम कुमार जी, राम गोपाल जी सारसवा बामणवाड़ी। शानदार गेंदबाजी यहां पे विक्की के द्वारा, दुर्गा दत्त बोल रहे हैं अगर 4 ओवर करने दिया जाए तो मैं एक चौथा ओवर कर सकता हूं लेकिन माफी चाहता हूं आपको 3 ओवर की। राम गोपाल जी सारसवा बावन वाले का स्वागत करेंगे, बाल किशन जी सारसवा गुसाई सर बड़ा। टॉस के लिए आज के टॉस के बॉस है राजकुमार जी पप्पू राम जी मोट, अगर आप यहाँ मौजूद नहीं हैं तो उनके प्रतिनिधि आए और टॉस बॉक्स में टॉस करवाएं। दीन जी गुरावा जल्दी आए, दीन जी टॉस करवाना है, आगे का मैच लेट नहीं होना चाहिए। अब राकेश राका आए हैं कमान संभालने, शानदार कट करना चाहते थे लेकिन बैट बॉल का कोई संपर्क नहीं। नौ ओवर 86 रन 8 विकेट, अगर अब यहां पे तावनिया फाइटर बॉस को बोनस लेना है तो 102 रन से नीचे रोकना है तो यहां पे तावनिया फाइटर बोनस ले सकती है।
हेतराम आए हैं अंतिम ओवर लेके, सामने हैं लेग साइड की गेंद, फील्डर महादेवी दत्त मौजूद है, देखते हैं रोक पाते हैं कि नहीं। शानदार रनिंग महादेवी दत्त की, और निश्चित तौर पे रोक ही लिया उन्होंने, दो रन आ जाने के साथ पूरे कर लिए, दो रन बचा लिए यहाँ पे। अगले मैच के लिए सारसूद रॉयल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। हेतराम एक बार फिर से गेंद करेंगे रनिंग छोर से, इस बार स्टेट की ओर खेला है, फील्डर वहां जरूर मौजूद है विकी, लेकिन चार रन होंगे ये। फील्डिंग करते हुए चौका, उनका पैर बाउंड्री से लग गया, निश्चित तौर पे पशुपति लेमिनेट चौका होगा ये। अच्छी फील्डिंग की थी उन्होंने, लेकिन पैर उनका बाउंड्री को छू गया, नतीजा सही नहीं। इस बार शानदार गेंद, हल्के हाथों से खेला, स्लोअर वन डिलीवरी किया वहां पे हेतराम ने। अब मात्र औपचारिकताएं बाकी, अगर तीन गेंदों में 10 रन और बना लेती है यहां पे बाबोसा फाइटर, तो तावनिया को बोनस से मुक्ति, और बाबोसा वैसे ही बोनस से चूक चुकी है। अब मात्र रन रेट का फैसला रहेगा। शानदार शॉट वहां पे राकेश का, शानदार ड्राइव किया, कैच लेना चाहते थे लेकिन चौका दिया यहां पे पशुपति लेमिनेट चौका। ये चौका कैच जरूरी नहीं था, चौका रोकना जरूरी था। आपने निश्चित तौर पे प्रयास अच्छे किए, लेकिन अगर आप चौका रोकते तो मैच तो वैसे भी आपके हाथ में है। अब अगर आपको बोनस रोकना है तो दो गेंदों में 6 रन से पहले पहले रोकना होगा, अगर आपको बोनस लेना है तो। ये अगर चौका रुक जाता तो निश्चित तौर पे 2 गेंदों में 8 रन चाहिए होते, 2 रन तो रनिंग छोर पे आ जाते। दो गेंदे 6 रन, इस बार शानदार गेंद, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहां पे दोनों बल्लेबाजों को। अब इस मैच की आखिरी गेंद, अब देखते हैं तावनिया फाइटर्स यहां पे बोनस ले पाती है या नहीं। अगर तावनिया फाइटर्स को बोनस लेना है तो निश्चित तौर पे 6 से बचना है, खाली चौके से बचना है, बाउंड्री से बचना है, छोटी से बड़ी कोई भी बाउंड्री हो। अगर चौका भी लग गया तो बोनस नहीं ले पाएगी तावनिया फाइटर। देखिए जैसे ही अनुभव काम आता है, फील्डर को आगे वो घेरे पे ले लिया, और यहां पे तावनिया ने बोनस भी ले लिया है, जीत दर्ज की है बोनस से दुर्गा दत्त। दुर्गा दत्त ने आज यहां पे पंजा लगाया था और उसी पंजे के बदौलत वो जीत भी गए और बोनस भी ले लिया उन्होंने। सारस्वत प्रीमियर लीग 9 सारस्वत कुंडिया समाज नयुक मंडल रजिस्ट्रेशन सूरत आप सभी का हार्दिक पार्वक करता है। इस मैच के टूर्नामेंट स्पॉन्सर है धनलक्ष्मी प्लाईवुड ग्रुप सूरत, पूनमचंद जी सारसवा कालू, टूर्नामेंट को स्पॉन्सर है। आप बाहर आ जाएं, जो टीम है हरिया उबार आ जाएं, या मेजिन का पता है उबार आ जाएं। तावनिया परिवार बिगा रामसरा, रियल इंडिया जेम्स प्राइवेट लिमिटेड।